अमरपाटन में पैतृक जमीन से फसल काटने के बाद एक युवक के साथ 8 लोगों ने मारपीट कर डंडे से हमला कर दिया। घायल युवक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। वहीं एक दुकानदार ने अपने ग्राहक के साथ विवाद किया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। ग्राम कोटरा जुड़मनिया में ज्ञानेंद्र सिंह अपनी पैतृक जमीन में चने और राई की फसल को कटवाने के बाद उसे उठाने के लिए खेत में गए। इसी दौरान आए 8 लोगों ने उसे फसल ले जाने से रोक लिया। ज्ञानेंद्र सिंह ने विरोध किया तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और लाठियों से उनको पीटा। पीड़ित की शिकायत पर अमरपाटन थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरे मामले में गांधी चौक के पास स्थित अभय जैन भोलू की दुकान पर निखिल कुमार श्रीवास्तव कुछ सामान लेने गए थे, जहां दुकानदार ने पहले सामान देने के लिए निखिल श्रीवास्तव को मना कर दिया। जब निखिल श्रीवास्तव ने विरोध किया तो दुकानदार ने पहले युवक से गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल ग्राहक का सतना अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ दुकान में सामान लेने के लिए गया है तो उसने पहले गाली गलौज करके मुझे दुकान से बाहर कर दिया, बोला कि निकल बाहर। फिर मैंने बोला गाली गलौज तो कर रहे हो, उसने मुझे लाठियों से मारना चालू कर दिया। फिर मैंने जब उससे दोबारा उठा मेरे ऊपर हाथ पे चलाया, फिर वो उसने मेरे से दोबारा फिर एक लाठी मारी और मैंने खैर उससे लड़ाई ना करके डायरेक्ट थाने में आया। थाने में कंप्लेन की और फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाए, मेरा MLC हुआ और उसके बाद सारी जाँचें हुई, मैंने उनके खिलाफ FIR करवा दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।